फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पेज नंबर 56 की, जो अपने सीरीज स्टार्ट कर रखी है पेपर आउट सीरीज, जिसके अंदर हर पेज के ऊपर जितने क्वेश्चन बनते हैं एनसीईआरटी से ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चंस, उन पे अपन बात कर रहे हैं। तो आज 56 नंबर पेज के ऊपर जेनेटिक्स के अंदर अपन बात कर रहे हैं। 56 नंबर पेज के अंदर अगर अपन देखते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड के अंदर डायग्राम दिया हुआ है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। तो इसमें टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट के बारे में दिया हुआ है। टॉल डॉल, जिसको अपन टॉल को हमेशा कैपिटल टी कैपिटल, स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका क्रॉसिंग करवाया गया, तो अब जो अपना जो F1 जनरेशन जो मिल रही है अपन को, उसके अंदर जैसे जिसकी अपन ने पहले बात की हुई है पिछले पेज के अंदर, अपन फीलियल जनरेशन की बात की है, उसके अंदर अपन को सभी टॉल मिलते हैं, चाहे वो हिट्रोजाइगस है होमोजाइगस, वो भी पहले पता नहीं होता, वो हिट्रोजाइगस कंडीशन है, लेकिन सभी टॉल हैं, ठीक है। F2 जनरेशन जब हम लेते हैं, F2 जनरेशन लेते हैं, तो इसमें 3 टॉल मिल रहे हैं आपको और 1 ड्वार्फ मिल रहा है, 3:1 मिल रहा है इसमें आपको। तो ये आपको बताया हुआ है, स्पेशली इस पेज के ऊपर जितनी बात की हुई है टर्मिनोलॉजी, जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी की ज़्यादा बात आई है। और ये जो चैप्टर है, इसके अंदर जो पहले जो एक्सपेरिमेंट दिया है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, ठीक है ना, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि पास आउट जो कुछ जो करेक्टर्स होते हैं, सम थिंग्स वाज बीइंग द स्टेबली पास डाउन, यानी कि वो पास आउट हो रहे हैं अगली जनरेशन के अंदर, कुछ तो जा रहा है, उस जो कुछ जो जा रहा है उसको फैक्टर नाम दिया था जेंट अपने मेंडल्स ने, और जिसको आज हम जीन्स के नाम से जानते हैं। ये दो टर्म्स अपन को आती है। अब जीन्स जो है वो क्या है, ठीक है ना, और उसके साथ जब हम बात करते हैं, जीन्स जो है वो कंटेन द इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर आपके पास में क्वेश्चन कौन कौन सा आ रहा है, एक आपके पास क्वेश्चन आ रहा है ये फर्स्ट नंबर, फैक्टर क्या नाम दिया था फैक्टर को, और जो अब उसको क्या कह रहे हैं सेकंड नंबर, ठीक है, क्या लेके जा रहा है ये, कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन पर्टिकुलर ट्रेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म जो इस जो पर्टिकुलर ट्रेट है उसके जो एक्सप्रेशन है उसको वो आगे इंफॉर्मेशन को लेके जा रहा है। यहां पर अपन देखते हैं कि पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट होते हैं, पेयर है यहां पर, ये एक पेयर जो है इसके अंदर आप देख सकते हैं, यानी कि थर्ड नंबर क्वेश्चन, और जो ट्रेट जो पेयर है उसको क्या कह रहे हैं अपन, एलील कह रहे हैं। तो ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन आ गया, एलील क्या, दे आर द स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द, अब ये भी क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल सेम नहीं होता, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म होती है, ठीक है ना, ये आपके फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको स्लाइटली डिफरेंट रखना है, एलील हमेशा एक जैसे नहीं होंगे, ठीक है, जीन के अंदर दो एलील होंगे, ठीक है ना, तो दोनों एलील जो होंगे, और वो दोनों एलील कहाँ से आ रहे हैं, वो डिफरेंट पेरेंट्स से आ रहे हैं, ठीक है, मदर से फादर से आ रहे हैं, तो वो सेम तो हो नहीं सकते, ठीक। अब यहाँ पर उसको अल्फाबेटिकली अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन केस करेक्टर, अब देखो इसमें टी है, कैपिटल टी यूज टू टॉल एंड स्मॉल टी फॉर द ड्वार्फ। अल्फाबेटिकली हम कैसे उसको रिप्रेजेंट करें उसके बारे में इन्होंने दिया हुआ है। अब यहां पर देखो, यहां पे तीन टाइप दे रखी है, टी टी दे रखा है, कैपिटल टी स्मॉल टी दे रखा है, स्मॉल टी दे रखा है। अब यहां पर अगर अपन देखते हैं, तो अगर कैपिटल टी है या स्मॉल टी, यानी कि दोनों ही एलील्स जो है सेम है, तो उसको हम क्या कहते हैं, होमोजाइगस कंडीशन कहते हैं। तो ये होमोजाइगस कंडीशन है, यानी सेम जो यहाँ पे है वो आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। और डिफरेंट टाइप के अगर मिलते हैं, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप के मिलते हैं, उसको हम हिट्रोजाइगस कंडीशन कहेंगे, अभी अपन बात कर लेंगे उसकी। और जो टी एंड कैपिटल टी या स्मॉल टी जो बात कर रहे हैं, उसको अपन जीनोटाइप कहेंगे, यानी कि एक जीन का जो टाइप है उसको जीनोटाइप कह रहे हैं। जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल, अभी अपन इस पर बात कर लेते हैं, पहले इसमें देख लेते हैं। तो 6 नंबर जीनोटाइप जो हो गया, ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन हो गया, 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। पहले अपन जो बात कर रहे थे स्पेशली, अब यहाँ पर अगर अपन पहले देखते हैं, तो नेम जो है जीन का जो नेम है, यानी कि वो किसने कॉइन किया था, इस पे आपका हमेशा क्वेश्चन आता है हमेशा, कॉइन बाय द, अब ये जो डायनेस्ट जो साइंटिस्ट थे वो थे बॉटनिस्ट थे, फिजियोलॉजिस्ट थे एंड जेनेटिस्ट थे, विलियम जॉनसन।
और ये जॉन सांटिस का नाम आ गया, तो आपके पास में 6-7 नंबर क्वेश्चन आ गया, तो ये आपके पास में 8 नंबर क्वेश्चन आ गया, और ईयर जो आया वो 9 नंबर आ गया। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन। उसी टाइप से अगर हम एलिल की बात करते हैं, तो एलिल नाम जो दिया है वो ब्रिटिश जेनेटिस्ट है विलियम बैटसन, इसके साथ में रेबेका, ठीक है ना, ये जो बैटसन पे ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो आपके पास में ये जो क्वेश्चन आएगा ये आ गया, ये 10 नंबर क्वेश्चन आ गया, एलिल नाम किसने दिया। ठीक है ना, एलिल होता क्या है, अनदर फॉर्म, मीनिंग होता है इसका अनदर फॉर्म, शॉर्टन ऑफ द वर्ड द एलिलोमॉर्फ इन द, अब 90s के अंदर दिया, इसका ईयर नहीं है लेकिन इसका ईयर है आपके पास में, तो ये आपके पास में अनदर फॉर्म वगैरह पे कभी क्वेश्चन नहीं बने, इसलिए अपन इस पर बात नहीं कर रहे। लिटरली मीनिंग जो होती है होमो जाएगा, जिसकी अभी अपन ने बात की थी, जो नहीं सेम सेम है, जो यानी कि कैपिटल टी कैपिटल टी है या स्मॉल टी है, ये जो है उसको होमो जाएगा, कहते हैं होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है ना, और जायगोस का मतलब होता है ज्वाइंट टूगेदर, जो सेम जो है वो एक साथ जुड़े हुए हैं वो होमो जायगोस है। ये आपके पास में 11 नंबर क्वेश्चन आ गया। हिटरोजायगस क्या है, जो टू एलिल्स होते हैं, एवरी जीन के अंदर टू एलिल्स है, जो वन जो जी एलिल है वो फादर से आ रहे हैं और अदर जो आ रहा है वो मदर से आ रहा है, अब इनको जो मिलाकर जो बात करते हैं हम उसको जीरो टाइप कहते हैं, इसलिए इसको जीरो टाइप कहते हैं। जिस अपन ये देख सकते हैं, इफ द टू वे If the two version are the different, you have the heterozygous genotype of the, अब heterozygous condition में क्या क्या heterozygous for the hair color के अंदर देखते हैं, अब यहाँ वन एलील जो है वो रेड हेयर के लिए होता है और वन एलील जो होता है ब्राउन हेयर के लिए होता है, तो डिफरेंट रिसेसिव या हम स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि वो दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना, वो करेक्टर्स हैं, स्पेशली दोनों ही करेक्टर्स हैं, अपने अपने करेक्टर्स हैं, तो वो किस चीज कहाँ वो प्रेजेंट हो रहा है, यानी कि वो उस कहाँ पे उसके करेक्टर्स दिखाई देंगे, वो एनवायरनमेंट के ऊपर, वहाँ के क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे जीनोटाइप की अगर अपन बात करते हैं, तो ये आपके पास में बात अपन कर रहे थे, ये 12 नंबर हो गया हेटरोजाइगस आपके पास में। जीनोटाइप क्या है, जीनोटाइप द जेनेटिक मेकअप ऑफ द इंडिविजुअल सेल एंड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक मेकअप कैसा है उस टाइप का, किस टाइप से बना हुआ है, ठीक है, वो जीनोटाइप होता है। जैसे अपन ने टी टी ले लिया था, स्मॉल टी ले लिया था, कैपिटल टी स्मॉल टी ले लिया था, ये जीनोटाइप है, ठीक है ना। फिनोटाइप क्या होता है, अब जो फिनोटाइप के मतलब ये हो गया कि अब हमको एक तो जीनोटाइप तो हो गया कि अब, लेकिन ये तो टॉल दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है ना, एफ वन के अंदर टॉल दिखाई दे, लेकिन हमें ये नहीं दिख रहा था, यहाँ पे हमको फिनोटाइप दिखाई दे रहा था, तो फिनोटाइप क्या होता है, स्पेशली फिनोटाइप रेफर टू ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन द ऑर्गेनिज्म। अब ये किससे इन्फ्लुएंस हो रहा है, ये केवल हम मॉर्फोलॉजिकली नहीं देख सकते, हम इसको केवल मॉर्फोलॉजी के हिसाब से नहीं देखते हैं, इसके अंदर हम देखेंगे मॉर्फोलॉजिकली बात होगी, इसके अंदर बायोकेमिकली बात होगी, फिजियोलॉजिकल बात होगी, और बिहेवियरल प्रॉपर्टीज, ये सभी इसके अंदर करेक्टर्स आएंगे फिनोटाइप्स के अंदर, ये आपको ध्यान में रखना। फिनोटाइप्स केवल मॉर्फोलॉजी के ऊपर बात नहीं करता है, वो बायोकेमिकल भी बात करेगा, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल बात भी करेगा, तो ये आपको ध्यान में रखना। तो जीनोटाइप प्लस एनवायरमेंट प्लस रैंडम वेरिएशन वो फिनोटाइप कहलाएगा। यहाँ पर आपके पास में एक क्वेश्चन आता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो ये आपके जीनोटाइप का क्वेश्चन आ गया आपके 30 नंबर क्वेश्चन, ये फिनोटाइप का जो क्वेश्चन आ गया ये 40 नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखते हैं इसका एनसीईआरटी के अंदर, तो हिटरोजाइगस कंडीशन है स्मॉल टी, अब ये जो कंडीशन थी एफ वन जो जनरेशन थी वो हिटरोजाइगस है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि एफ वन किस टाइप की, होमोजाइगस है हिटरोजाइगस है, हिटरोजाइगस कंडीशन है। फिर इसके अंदर क्रॉसिंग करवाई जाती है, तो इसके अंदर जो रेशो आ रहा है वो 3 टॉल का आ रहा है, 1 ड्वार्फ का आ रहा है, तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर एक जो करेक्टर था जो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था ड्वार्फ वाला, वो यहाँ पर दिखाई देता है, तो जो F1 के अंदर दिखाई नहीं दिया वो रिसेसिव है,
और जो दिखाई दे रहा है वो डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट क्या होता है, रिलेशन डोमिनेंट रेफर टू द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वर्जन ऑफ द जीन्स। ए डोमिनेंट जीन एंड द डोमिनेंट वर्जन ऑफ द जीन इज अ पर्टिकुलर वेरियंट ऑफ ए जीन विच फॉर ए वेराइटी ऑफ रीजन एक्सप्रेस इट सेल्फ मोर स्ट्रोंगली ऑल बाय इट सेल्फ देन द अदर वर्जन ऑफ द जीन्स। जो डोमिनेंसी दिखा रहा है, ठीक है ना, स्ट्रोंगली रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को, वो डोमिनेंट है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर इन्होंने ये कहा कि डी को क्यों नहीं रिप्रेजेंट किया है, कि ड्वार्फ है तो डी को से रिप्रेजेंट कर सकते थे, इसलिए रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो उसी का पार्ट है, वो एलील है, सेम है, तो हम उसी करेक्टर्स को उस एक ही अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे, इसलिए उसको हम डी से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर ही हम अगर हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देखते हैं तो उसके अंदर अगर देखते हैं, ये आपका आपका जो पेज नंबर था 56, उसके अंदर अपन ने बात की थी, तो इसमें अपने पास में ये डोमिनेंट वाला जो क्वेश्चन बनता है ये आपके पास में बन जाता है 15 नंबर क्वेश्चन। तो हमें 56 नंबर पेज के ऊपर लगभग 15 क्वेश्चंस मिल जाते हैं एक पेज के ऊपर। अगर हम इसके अंदर ही क्वेश्चंस देखते हैं, तो इसके अंदर क्वेश्चन देखते हैं, तो आप क्वेश्चन देखोगे तो इसके अंदर अपन पहला को ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन की बात करें कि प्लांट विद द जीनोटाइप ऑफ द पर्पल फ्लोवर, डोमिनेंट जो करेक्टर दिखा रहा है पर्पल फ्लोवर, जो अपन ने पिछले पेज पे 55 नंबर पेज पे बात की है, पर्पल फ्लोवर ग्रो इन द पार्शियल शेडेड ऑफ द प्रोड्यूस द पिंक। अगर वो शेडेड कंडीशन के अंदर पार्शियल यानी कि जहाँ पे छाए हैं वहां पर उसको ग्रो कर रहा है तो प्रोड्यूस कर रहा है पिंक फ्लोवर। इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिस सिचुएशन इलस्ट्रेट, वो क्या दिखा रही है, वो सिचुएशन वो क्या चीज दिखा रही है। यहाँ पे चार आपके ऑप्शन है, डोमिनेंट जीन्स कैन बी द वीकेंड बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर, सेकंड है जीनोटाइप डज नॉट द ऑलवेज डिटरमाइन द फिनोटाइप, इनकम्प्लीट डोमिनेंस ओनली अकर इन द फ्लोवर्स। अब देखो यहाँ पर आप बात करेंगे तो आपके पास डोमिनेंट जीन कैन बी द वीकेंड बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर। अब यहाँ पर डोमिनेंट जीन की अपन ने बात जो की थी, वो तो थी नहीं, जो डोमिनेंट है वो तो उसमें एनवायरमेंट फैक्टर की तो अपन ने बात की नहीं थी, वो तो अपन जो बात कर रहे थे वो तो हम फिनोटाइप और जीनोटाइप के अंदर बात कर रहे थे, ठीक है। हमने एनवायरमेंट की बात डोमिनेंट जीन के अंदर बात नहीं की है, उसके अंदर तो हमारे पास ये नहीं मिल रहा। हमारे पास द जीनोटाइप डज नॉट द ऑलवेज डिटरमाइन बाय द फिनोटाइप, हमेशा फिनोटाइप ऑलवेज डिटरमाइन द फिर डज नॉट, बिल्कुल नहीं, जीनोटाइप हमेशा नहीं करेगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस अगर इन द फ्लोवर, नहीं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहीं पे भी हो सकता है। मोर सनलाइट इज द नीडेड फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द डोमिनेंट, नहीं ये भी नहीं हो सकता। तो आपके पास जीनोटाइप डज नॉट द ऑलवेज डिटरमाइन द फिनोटाइप, फिनोटाइप से जीनोटाइप नहीं होता है, ठीक है ना। तो आपके पास में जो जीनोटाइप होगा उस वही फिनोटाइप में दिखाई देगा। हम ये जो बात करना चाह रहे हैं कि वो जो करेक्टर्स है वो क्या कहना चाह रहा है, वो ये कह रहा है कि जीनोटाइप डज नॉट ऑलवेज डिटरमाइन द फिनोटाइप से नहीं होगा, ठीक है ना। ये इसका एग्जाम्पल नहीं है, जो दिखाई दे रहा है वो उसके कारण से नहीं है, किसी और के कारण से है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपके पास में आंसर इसका ही बैठे। अगर हम इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन के अंदर इंट्रोड्यूस द न्यू जीन्स इन टू द ऑर्गेनिज्म, हाउ माइट दिस द इम्पैक्ट ऑफ द फिनोटाइप। अगर हम जेनेटिक न्यू जीन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। इट विल ऑलवेज द क्रिएट द कम्प्लीटली न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फिनोटाइप मे द चेंज डिपेंड ऑन द इंट्रोड्यूस द जीन ऑफ द फंक्शन। अब देखो इट विल ऑलवेज क्रिएट द, जरूरी नहीं है कोई नई जीन आएगा वो नया क्रिएट करेगा, ठीक है। फिनोटाइप में चेंज द डिपेंडिंग ऑन द इंट्रोड्यूस द जीन, फिनोटाइप चेंज करे डिपेंड करेगा, ये आपका सही है। इट विल नॉट अफेक्ट द फिनोटाइप, बिल्कुल इफेक्ट करेगा ये गलत है। ओनली द नेगेटिव इफेक्ट ऑन द फिनोटाइप आर द पॉसिबल, ये भी गलत है। तो आपके पास अभी आंसर ये आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, आइडेंटिकल ट्विन्स की अगर बात करते हैं, ऑलवेज शेयर द सेम फिनोटिपिक, दिस सजेस्ट दैट द सेम फिनोटाइप, सेम फिनोटाइप, हम ये मानते हैं कि मोनोजाइगोटिक जो ट्विन्स होते हैं वो सेम फिनोटाइपिक रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अभी अपन ने बात की है फिनोटाइप, सॉरी, फिनोटाइप के ऊपर जीनोटाइप, एनवायरमेंट, एनवायरमेंट और रैंडम वेरिएशंस,
मॉर्फोलॉजिकल के अलावा भी इसके ऊपर कई चीजें इफेक्ट डाल रही थी। द जीन आर द सोल द डिटरमाइन द फिनोटाइप, एनवायरमेंट हैज नो इन नो इन्फ्लुएंस ऑफ फिनोटाइप। बिल्कुल, फिनोटाइप पे तो एनवायरमेंट करता है। जीन्स आर द सोल ऑफ द, नहीं सोल नहीं होता फिनोटाइप के, और जीन के अलावा भी होते हैं। जीन एक्सप्रेशन कैन बी द आइडेंटिकल इवन विद द स्लाइटली वेरिएशन इन द जीनोटाइप। स्लाइटली वेरिएशन अपन ने पहले बात की थी, एलील्स के अंदर वेरिएशन आएगा। और नंबर सही है, आइडेंटिकल ट्विन्स मस्ट हैव द एक्सपीरियंस द एग्जैक्ट ऑफ द सेम द एनवायरमेंट। नो, तो आपके पास सी इसका सही। हम हर एक टॉपिक के साथ में कुछ इस टाइप से ऑब्जेक्टिव टाइप भी लेते चलेंगे, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो हमारे पास में अगर हम देख रहे हैं एनसीईआरटी के अंदर से हमारे पास में 15 क्वेश्चन हुए। हमने इसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करके भी, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रैक्टिकल भी करके देख लिया, एक्सरसाइज करके देखी कि किस टाइप से उस चीज़ को, हम केवल एक टर्म्स को याद नहीं करेंगे, थ्योरी याद करने से काम नहीं चलता, उसकी एक्सरसाइज भी जरूरी है। आपको कैसा वीडियो लगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।